चढ़ती है और दिन चढ़ता है, बाकी दिन नहीं चढ़ेगा। ये मेरी चाय। वैलेंटाइन डे को क्या करेंगे? गाय को हक करेंगे, गाय डे मनाएंगे। इधर 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 गाय डे मनाएंगे। बच्चों की छुट्टी और हस्बैंड जी आज सुबह सुबह नहा धो के और जाने की तैयारी में लग गए। खाना वाना नहीं खाएंगे, नाश्ता वास्ता नहीं करेंगे? बोलिए, आएंगे तो खाएंगे। आज बना रहे पता क्या? राजमा चावल। हैं, पसंद है आपको? हैं, थोड़ा तेज बोला करिए। पसंद है तो अंदर इनर काहे नहीं पहने, ठंडा है बाहर। और वंशिका जी गरम कर रही है क्या? हेलो हाय तो बोल लो बेटा। आज छुट्टी है बच्चों की? क्यों छुट्टी है बताओ? आज वो है ना ग्लोबल, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स यूपी में आ रहे हैं, हमारे लखनऊ में आ रहे हैं, क्योंकि योगी जी ने इनवाइट किया है। इस उपलक्ष्य में आज बच्चों की छुट्टी है और ये गर्म पानी दे रही है डैडी जी को अपने। और यहाँ पे मेरा छोटा वाला लड्डू सो रहा है, ये देख लीजिए इसके भी दर्शन, ये देखिए। और यहाँ पे मेरे बड़े वाले लड्डू उठ चुके हैं, ये देखिए। जय राधे राधे। माधव जी उठ चुके हैं और साथ में लड्डू भी उठ चुके हैं, लेकिन हस्बैंड जी इनकी पूजा नहीं की है आज, क्योंकि इनको जल्दी से जाना है और मैं नहा के इनकी पूजा करूंगी, है ना? कब तक आ जाएंगे? 12 बजे तो आराम से आज नाश्ता खाना बनाएंगे, तब तक काम कर लें अपना। हम अब मैं यहाँ पे नहा चुकी हूँ और नहा के मैं सूर्य भगवान को सबसे पहले जल डालती हूँ, तो ये जल दे रही हूँ और इसके बाद से मैं अंदर की पूजा करूँगी। अभी मैं बाहर कर लेती हूँ, तुलसी माता को भी जल देना होता है। और फिर ये है लड्डू और माधव के सर्दी के कपड़े, जिसे मैंने धो के डाल दिया है और इसे अब अगली सर्दी में निकालूँगी। उसके बाद से मैं आ गई अंदर, तो अंदर मैं पहले सबसे पहले लड्डू माधव को नहलाई हूँ। नहलाने के बाद इनका श्रृंगार कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मेरे पास डब्बा है, उसी में मैं इनका सारा श्रृंगार का सामान रखती हूँ। जैसे कानों के छोटे छोटे हैं, गुम हो जाते हैं, इसलिए डब्बे में ही रख देती हूँ इकट्ठा, और इसमें मिल जाता है मुझे। इस तरह का बॉक्स है, इसी में सारी चीज़ें रखती हूँ इनके, तो वही ढूंढ ढूंढ के मैं तैयार कर रही हूँ। नहला चुकी हूँ पहले ही, तो देखिए आज मैंने पीला पीला वस्त्र पहनाया है दोनों को। तो देखिए फाइनली माधव तो तैयार हो गए हैं और लड्डू का बस रह गया है, लड्डू भी लगभग तैयार ही है। माधव को मैं टीका नहीं लगाती, मन होता है तो कभी कभी स्टोन वाली बिंदियाँ रखती हूँ, वही लगा देती हूँ, जिससे वो काफ़ी सुंदर लगने लगते हैं। वैसे उनका सारा मेकओवर तो पहले से हुआ रखा है, लेकिन फिर भी मेरा मन होता है तो ऊपर से बिंदी लगा देती हूँ। और फाइनली मैं इनको इत्र लगाती हूँ लास्ट में, इत्र ज़रूर लगाना चाहिए भगवान को। अब भगवान जी तैयार हो चुके हैं, फाइनली मेरी पूजा का समय हो चुका है और मैं दिया भगवान को सबसे पहले गणेश जी से, पता ही है गणेश जी से पूजा शुरू होती है, और इसके बाद से मैं तुलसी माता को, सूर्य भगवान को, सबको दिया दिखाती हूँ। और समय अभी का हो रहा होगा 9:30 या 9:45 हो रहा होगा, फिर मैं अंदर की पूजा कर ली, क्योंकि आज हस्बैंड जी छोड़ के चले गए थे, पूजा भी नहीं किए थे। इसके बाद से मैं बाहर कपड़े आज धोए थे, कपड़े फैलाने चली आई थी, तो वही शौर्य रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो कभी इधर से कभी उधर से उसका जैसे मन होता है आड़ा टेढ़ा करता है, रिकॉर्डिंग सही से नहीं करता है वो। उसके बाद से ये शौर्य का है नाश्ता, इसमें वो चॉकलेट्स डाल के खाएगा, तो वही मैं दूध दे रही हूँ उसको। और दूध आज काफ़ी कम था, इसलिए मैं थोड़ा सा ही दे रही हूँ, क्योंकि रात को मैंने दही जमा दिया था, इससे दूध की कमी हो गई थी। सूझ गई हैं आज के आज। अरे बाप रे, ये तो बिल्ली के जैसे हो गई, बागड़ बिल्ली दिखाओ, इधर इधर देखो मेरी तरफ,
मैं वैसे ही आवाज भी निकालो। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सरविका सिंह ब्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं नहा चुकी हूँ, छत पे कपड़े डाल दिए हैं और इस टाइम मेरी पूजा भी हो चुकी है। आप लोगों ने पूजा का देखा है, पूजा मैंने कर लिया है और छत पे कपड़े डाल लिए हैं। तो अब मैं चलती हूँ किचन में क्योंकि आज मुझे बनाना है राजमा चावल, तो मैं राजमा चावल बनाऊँगी और चलते हैं किचन में फिर। तो मैं फटाफट से किचन में आ गई और यहाँ पे फटाफट से बनाने में लग गई थी क्योंकि आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, हस्बैंड जी तो बिना खाए निकल गए। और फिर मैं आराम आराम से काम कर रही हूँ क्योंकि बच्चे दूध और चौकस का नाश्ता कर लिए हैं। तो राजमा चावल बनाना है, इसके साथ रोटी वगैरह की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, इसलिए मैं यही बनाने के लिए जुट चुकी थी कि ताकि फटाफट से बन जाए और बच्चे टाइम से लंच तो कर ले क्योंकि छुट्टियों के दिन अक्सर ही लेट हो जाता है। सबके साथ ऐसा होता है, छुट्टियों में ऐसे होता है ना कि आराम आराम से फिर काम करते रहो, फिर काम भी बहुत सारे निकल आते हैं, ये भी कर लो ये भी कर लो, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसीलिए काफ़ी लेट हो जाता है नाश्ता वगैरह के लिए। तो आज मैंने इसीलिए नाश्ता का नहीं सोचा, फटाफट मैंने सोचा खाना ही बने क्योंकि राजमा चावल है तो दोपहर का लंच ही हो सकता है, तो वही मैं इसकी तैयारी में जुट गई हूँ। बीच बीच में दिमाग में यही चल रहा था कि आज छुट्टी है तो थोड़े बहुत सारे शॉर्ट्स बना लिए जाएं क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं तभी ये सारी चीज़ें बन पाती हैं, अकेले कुछ नहीं हो पाता है। इसे बन रहा है मेरा राजमा और इसमें मैंने चावल रख दिया है, तो दोनों साथ में बन जाएगा। और चलिए देखते हैं बच्चा पार्टी क्या कर रहा है। एक बच्चा पार्टी नहा के अभी अभी आई है, ये देखिए बॉडी लोशन लगा रही है। और एक बच्चा पार्टी का स्टार देख लीजिए, ये सुबह से उठ के खाली ये सिंचन में लगा रहता है, जब देखो ये लड़का सिंचन बन गया है बिल्कुल। ये सिंचन नहाना धोना है आ? क्या इसने ये कह रहा है कि मैंने कल नहाया था, अभी सब कोई जवाब है कल नहाएगा तो आज नहीं नहाएगा, उठ के यहाँ पे आ गए यही बड़ी बात है। और यहाँ पे मैंने नींबू और नमक डाल के बहुत दिनों से ऐसे रखा हुआ था, 3-4 दिनों से, तो ये काफ़ी पानी छोड़ दिया था, उसी में मैं थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। नींबू और मिर्च का अचार है तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत ही लाइट ही मसाला डाल के बनाना है और हस्बैंड जी को सिर्फ नमक वाला चाहिए था, इसलिए मैंने उनके लिए सिर्फ नमक वाला अलग रखा है और अपने लिए थोड़ी सी मिर्ची और नींबू का अलग है ये मेरा, क्योंकि मुझे चटपटा थोड़ा सा पसंद है और उनको सिर्फ नमक वाला चाहिए था, तो ये मैं अलग डाल रही हूँ और उनका अलग रखा हुआ है सिर्फ नमक वाला। देखिए मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो ये जब पक जाते हैं ना ये खड़े मसाले तो काफ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं क्योंकि अच्छे से इसमें अंदर नमक और खटाई एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी फूल जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसीलिए मैंने इसमें सारे खड़े मसाले ही ऐड किए हैं, कोई पीसा मसाला नहीं है, सिर्फ हल्दी है पीसी, बाकी कुछ नहीं है। और मुझे कुछ शॉर्ट्स बनाने थे तो राजमा चावल तो ही बन रहा है, इसलिए मैंने बोला कि बीच में इस कुछ शॉर्ट्स बना लिए जाए क्योंकि ऐसे ही टाइम मिल पाता है बीच बीच में, फिर उसके बाद से खा पी लो तो मन नहीं करता है, लगता है कि अब थोड़ा सो लो, फिर टाइम वेस्ट होता है। तो मैं वही इसको शॉर्ट्स समझा रही थी कि कैसे तुम्हें एक्टिंग करनी है और समझते हैं दोनों बच्चे काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, तो शॉर्ट्स समझा ही रही हूँ दोनों को कि क्या क्या करना है आज। तो वही मैंने एक शॉर्ट्स बनाया, राजमा चावल भूख लग रही है, ऐसे बोल रही डायलॉग मारी, राजमा चावल आज बने हैं घर में राजमा चावल और तोर भी खाएगा राजमा चावल। देखो उत्ती सही में मुझे लग रही है कि ऐसे सही मारी। चलो ले जा, तो नौकर बुलाए क्या खाने के लिए? सांप के साथ खाओगे क्या, टेस्ट करके उसके साथ इसका? हाँ बहुत ज़्यादा ही दे दी वो चावल, ये आप खाना फिर मैं नहीं खाऊंगी। मुझे पहले ही हंसी आ रही थी, मैं क्या करती, वो मुझे आपकी एक्टिंग देख हंसी आ रही थी तो मुझे हंसी रोक ही नहीं पा रही थी। मेरा है ये आज घर में बने हैं राजमा चावल, कैसा लग रहा है बाबू?
खाओ। और आज मैंने बनाया है राजमा है, चावल है, बहुत ही टेस्टी। तभी हम मैं खाना शुरू करती हूँ। तो खा के तुम लोग बताओ कैसा लग रहा है। काफी तेज लग गई है क्योंकि 12:30 हो गया है ना। आज तो करती हूं। आज नाश्ता भी नहीं किया सब लोग। मैंने कहा चलो राजमा चावल बनाना है, सब लोग इकट्ठा राजमा चावल ही खाएंगे। ये भगवान का है प्रसाद, लो आ करो लड्डू गोपाल का खाना चाहिए। खाना चाहिए ना। तब से ये लड़का मोबाइल ले लिया था, मुझे दे नहीं रहा था। मुझे वीडियो बनाना था लेकिन वीडियो शूट नहीं करने दिया ये। तो अब वीडियो का एंड करेंगे क्योंकि वीडियो हो गया काफ़ी लंबा। तो ये था आज का ब्लॉग, आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जो प्रेस किया कर तक आने वाले मेरे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।